जब से अपोलो 17 1972 में मून पे जाके वापस लौटा है, तभी से आज तक कोई भी इंसान मून पे नहीं गया है, और इसे नासा 2004 से चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, इन्होंने एक प्लान को अनाउंस किया था, और इस प्लान के थ्रू ह्यूमन फिर से मून के ऊपर जा सकेंगे और इसके साथ मार्स पे भी। और तब से नासा के डीप स्पेस एक्टिविटी के बहुत सारे नेमिंग आ चुके है, और आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में होने वाले वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मिशन को देखने वाले है, एंड दैट इज नासा आर्टेमिस मिशन। देन लेट्स सी। और नासा इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, और ये आर्टेमिस मिशन आज के टाइम वन ऑफ द मेजर स्टेप होने वाला है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। और इस मिशन में नासा का गोल है हिस्ट्री की फर्स्ट ह्यूमन को मून पे उतारना, इसके बाद मेंस को भी इन 2024 में। चलो हम देखते हैं इस आर्टिमिस मिशन को फुल डिटेल में। वेल, आर्टिमिस मिशन रोबोटिक एंड ह्यूमन मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जिसे नासा लीड कर रहा है अलोंग विद 3 पार्टनर एजेंसीज। वेल, इस आर्टिमिस मिशन का एम है ह्यूमन प्रेजेंस को फिर से मून के ऊपर एस्टेब्लिश करना 1972 के बाद। और इस मिशन का गोल है हम पहले ही प्रिपेयर हो जाए मोर एडवांस ह्यूमन मिशन के लिए जो मार्स के ऊपर होने वाला है। इन एडिशन हम मून के ऊपर ट्रेवल करने से हम वहाँ पर लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टेब्लिश कर सकते है। और इसके साथ स्पेस लॉन्च सिस्टम, द ओरियन स्पेसक्राफ्ट, द लूनार गेटवे स्पेस स्टेशन एंड द कमर्शियल ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम्स, ये सब प्रोग्राम्स हम वहाँ पर बना सकते है। वेल, हम इस आर्टेमिस मिशन के मेन कंपोनेंट्स को देखते हैं। वेल, हम इस ओरायन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू 4 एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में ले जा सकते हैं, और ये स्पेसक्राफ्ट री एंट्री में हाई वेलोसिटी हीट को विथस्टैंड कर सकता है जब हम अर्थ पे रिटर्न आते हैं उस टाइम। वेल, इस ओरायन में 3 मेजर कंपोनेंट्स है, अ प्रेशराइज क्रू कैप्सूल, अ सर्विस मॉड्यूल एंड लॉन्च अबॉर्ट टावर। इसके साथ स्मॉल स्पेस स्टेशन कॉल्ड लूनार गेटवे, ये हम लूनार ऑर्बिट में प्लेस कर सकेंगे जो काम करेगा फ्यूल एंड सप्लाई को डिपोर्ट करने में। इसके साथ लॉन्ग मिशन के लिए स्टॉपिंग पॉइंट भी बन सकेगा। ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, वेल, आर्टिमिस मिशन मेनली रिलाई करता है इस ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के ऊपर। वेल, ये सिस्टम क्रू को लूनार ऑर्बिट से लूनार सरफेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकेगा, और इसके लिए नासा ने स्पेसएक्स के स्टारशिप को सिलेक्ट किया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम, वेल, यहाँ पर 322 फीट सुपर हेवी लिफ्ट रॉकेट को यूज किया जाएगा, और इस लॉन्च के लिए इसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट $800 मिलियन। और ये रॉकेट है SLS, और ये SLS रॉकेट 15% मोर पावरफुल है उसके ओरिजिनल सैटर्न 5 लॉन्चर से जिसने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को मून के ऊपर भेजा था। ये सैटर्न 5 उस टाइम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट था। आर्टिमिस 1, वेल, बहुत सारे डिलेज और राइजिंग कॉस्ट के चलते इस अनक्रूड मिशन को 16 नवंबर को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, और इस मिशन का प्राइमरी गोल था ओरियन मॉड्यूल के स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना, और इन मिशंस के थ्रू हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकेंगे। इसके थ्रू हम मून को और भी अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। आर्टिमिस 2, वेल, इस आर्टिमिस 2 मिशन के साथ नासा 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा नवंबर 2024 में, और इस मून मिशन में 1 फीमेल एंड 3 मेल्स होंगे। और इसके साथ नासा हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता है मून के ऊपर फर्स्ट ह्यूमन को लैंड करके। इसके लिए नासा बहुत जोरों शोरों से तैयारी पे लगा है, और एक क्रू मून को एक्सप्लोर करने के बाद फिर से अर्थ के ऊपर लौटेगा, और इस मिशन की टाइमलाइन अराउंड 10 डेज बताई जा रही है। इसके साथ और इस ओरियन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम एज वेल एज दी कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम को एक क्रू टेस्ट करेगा इस मिशन के टाइम। और इस आर्टिमिस 3 में नासा का क्रू मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड करेगा, इस सेम ही जगह है जहाँ पर इसरो का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ था। इस जगह अब तक कोई भी उतरा नहीं है, इसलिए ये मिशन मून एक्सप्लोरेशन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस आर्टिमिस 3 को दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा, और क्रू इस जगह एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर एक बेस कैंप बनाया जाएगा। इसके साथ क्रू गेटवे बनाने के लिए भी काम करेगा, और इस मून के साउथ पोल रीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये एरिया रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसी वाटर को बेस कैंप में यूज किया जा सकता है। और ये गेटवे मून के ऑर्बिट में बनाया जाएगा, और इस गेटवे को मून के साथ साथ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज किया जाएगा। आर्टिमिस 4, वेल, इस आर्टिमिस 4 मिशन में 4 ह्यूमंस को ओरायन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू स्पेस में भेजा जाएगा लूनार गेटवे की तरफ, और इसका लॉन्च बताया जा रहा है सितंबर 2028 में। और इसके लिए लूनार गेटवे का कंस्ट्रक्ट होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आई हैव हैबिटेड मॉड्यूल को क्रिएट किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जैक्सा ने मिलके, और ये मदद करेगा ह्यूमंस को गेटवे में रहने के लिए जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स गेटवे से निकल के मून के ऊपर जा सकेंगे। आर्टिमिस 5, वेल,
आर्टिमिस 5 ये नासा के 5th प्लान प्रोग्राम में से एक है। फिर इस मिशन में फर्स्ट क्रूड फ्लाइट ऑफ द ब्लू मून लैंडर को लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन को अराउंड सितंबर 2029 को लॉन्च किया जा सकता है। और ये मिशन सिमिलर ही है लाइक आर्टिमिस 4, बट यहाँ पर एक्सपर्ट मॉड्यूल को गेटवे की तरफ छोड़ा जाएगा, जहाँ पर क्रू इस लैंडर को यूज करेंगे मून के ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है नासास लूनार टेरेन व्हीकल, और इसीलिए नासा इन मिशंस के ऊपर काफी सालों से काम कर रहा है। और नासा के फर्स्ट 3 मिशंस आर्टिमिस 1, आर्टिमिस 2 एंड आर्टिमिस 3, ये मिशंस नासा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस है। और इसके लिए नासा ने बहुत सारे बूस्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑलरेडी अनाउंस किया है। इसके साथ आर्टिमिस 11 तक रॉकेट्स को भी बना लेगा। इसीलिए आर्टिमिस मून मिशंस फैसिनेटिंग मिशंस है। यदि हमें मार्स के ऊपर ह्यूमन के प्रेजेंस को बनाना है तो इसके लिए हमें मून के ऊपर परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना होगा। इसीलिए आर्टिमिस प्रोग्राम एक फाउंडेशन है डीप स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। पहले ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए डू सब्सक्राइब। इसके साथ इस चैनल के ऊपर और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलेंगे, ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, डू चेक। Thanks for watching. See you in the next one.